पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया था। इसी को देखते हुए धार के घोड़ा चौपाटी स्थित चौराहे पर 14 फरवरी 2020 को शाम मालवा और उनकी टीम द्वारा 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती हुए पुलवामा में हमले में जो भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें श्याम मालवा, यश मालवा, गोलू ठाकुर, अजीत जैन, दीपक डोडिया, राजेश चौहान, गुड़िया देवड़ा, रवि सिकवार, सुमित श्रीवास्तव, अशोक भैया और समस्त धारनगर के सैकड़ों लोगों ने भारतीय जवानों को उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना की और श्रद्धांजलि दी। फरवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादी, प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा हमारे सेना के 40 जवानों पर कायराना आत्मघाती हमला कर उन्हें शहीद किया गया था। आज उन्हीं की याद में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सभी को श्रद्धांजलि देकर भारत माता की जय और भारत माता के वीर सपूतों की जय करके उनको सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका नाम? श्याम मालवा। सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो 14 फरवरी 2019 में कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा ब्लास्ट करने में प्राप्त हुए थे और इस देश की सेवा करते करते वो वीर शहीद हो गए। आज उन्हीं की याद में, हमारे जवानों की याद में ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। और ये यहीं नहीं, अभी तो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, श्रद्धांजलियाँ दी जा रही है। और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं, ये जो नरसंहार हुआ था उसमें हमारे जो शहीद जवान शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उनको हमारी सेना ने उनके घर में घुस के मारा और उस हमारी शहादत का बदला लिया। आज के दिन पूरा देश इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उसमें धार में हमारे द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।